जेके टीवी दवाई सब जेके, और इस वक्त हम मौजूद हैं लास्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर की पंचायत लुआंग नॉर्थ, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका होम टाउन है, साजिद मलिक जी, जो एक सेंसेशनल आउटस्टैंडिंग सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो ये आज एक अहम बात करना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे इन्होंने कॉन्टेक्ट किया था कि लोग सफ़र हो रहे थे बैंक की ब्रांच ना होने की वजह से दूर दराज इलाकों में, जो लास्ट डेस्टिनेशन है जैसे मैंने कहा, और दूसरी जो डुग्गन है, ब्लॉक डुग्गन, तो इसके रिलेटेड हमसे ये बात करना चाहते हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, वेलकम है चैनल में। तसद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके ज़रिए से तमाम लुआंग नॉर्थ, लुआंग साउथ, चांदल, रोलका, सरथल और डुग्गन के नवासियों को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ये इतला देना चाहता हूँ कि आज लुआंग नॉर्थ और डुग्गन पंचायत में जो है जेके बैंक की एक्सटेंशन काउंटर जो है वो सेंक्शन हो चुके हैं। एक लुआंग नॉर्थ में किया गया और एक डुग्गन पंचायत में किया गया है। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आर के चिब्बर साहब का, जो कि चेयरमैन है जेके बैंक के। उनके साथ साथ हमारे जोनल ऑफिसर हैं यहाँ पर, नारजे गुप्ता जी कठुआ में बैठते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस दूर दराज इलाके की लोगों की मजबूरी को समझते हुए यहाँ पे एक बैंक की एक्सटेंशन काउंटर खोले। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से ये, और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारे जो भी यहाँ पर मुश्किलात हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन साथ देगी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करेगी। और जिस जिसने भी इस बैंक के लिए, ATMs के लिए या CDMs के लिए ये लड़ाई लड़ी है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उनको भी कोई भी क्रेडिट लेना चाहे ले सकता है, कोई मसला नहीं। लोगों के काम होने चाहिए, हमने किया, आपने किया, अच्छी बात है। अपने अपने गांव के लिए लड़िए, अपने गांव की मुश्किलात को ख़त्म कीजिए, अपनी तहसील के लोगों के फ़ायदे करें, काम करें, ताकि इसका अजर आपको इस दुनिया में अगर नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका, भगवान इसका आपको ज़रूर अजर देगा। दूर दराज इलाका है, रोडों की मेंटेनेंस खस्ता हालत है और टूरिज़म पोटेंशियल है। बार हम आवाज़ उठाते हैं JKTDC से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, तो ग्राउंड लेवल पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या बताना चाहेंगे इसके लिए? अब यूथ जो है परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, दूर दराज इलाके में कोई साधन है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जैसे आपने कहा, हमारे पास सरथल है, उसके बाद हमारे पास ढग्गर है और बस चला। यहाँ पे पिलग्रिम्स का भी टूरिज़्म बहुत है, एडवेंचर के लिए टूरिज़्म बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। पहले रोड आती है, उसके बाद रहने की फैसिलिटीज़ आती हैं, फिर उसके बाद खाने के लिए आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ नहीं है। ढग्गर में अभी तक हमारे पास रोड नहीं पहुंची है, इनकम्प्लीट है वो। हमारे पास सरथल में जो है अभी तक रोड डबल लेनिंग नहीं हुई है, ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। हमने बार बार ये BRO को कहा, राजनाथ सिंह जी को ये गुजारिश की कि मेहरबानी, ये चांदल से लेके छतरगला तक इसको तेज़ी लाई जाए ताकि यहाँ पर टूरिज़्म आएगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद जनरेट होती है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उसके बाद गाइड्स को मिलती है, दुकानदारों को मिलती है, होटल्स को मिलती है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, लेकिन ये बहुत पिछड़ा हुआ है। गुजारिश करूंगा हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उसके बाद जो यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उसके बाद मनोज सिन्हा जी से, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये बहुत फार फ्लंग एरिया है तो, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, प्रमोट के साथ साथ इसकी डेवलपमेंट करें। इसके जो है फ़ायदे वो लोगों को भी मिलेंगे, स्टेट को भी मिलेगा और इंडिया को भी मिलेगा। LG साहब है हमारे, कमांड है उनके हाथ, रेवोल्यूशन ला सकते हैं। क्या बताना चाहेंगे आप, क्यों नहीं कर रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल डिफरेंस है यहाँ पे? क्योंकि वो LG है, उनको तो पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना है, वो तो लोगों के लिए हैं। तो इस वक्त सुनहरी मौका उनके हाथ है, सिंगल हैंडेडली वो कुछ भी कर सकते हैं। LG साहब, मनोज सिन्हा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको डेवलप किया जाए। गवर्नर हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वो एक सेंटर से भेजे हुए हैं और कहीं ना कहीं काम तो वो कर रहे हैं, बेशक वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा होम मिनिस्टर से, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से, कि यहाँ से जब तक यहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, MLAs की इलेक्शन नहीं होगी, MLCs यहाँ के अपने नहीं होंगे, तब तक जी साहब को ये बनी का इलाका कहाँ मालूम होगा, लवांग या सरथल या ढग्गर या जोड़े माता या दोले माता का कहाँ नॉलेज होगा। ये जब तक यहाँ की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, यहाँ इलेक्शन होने चाहिए, लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, MLAs हमारे लड़ेंगे, MLCs हमारे लड़ेंगे,
करेंगे, सेक्रेट में बात उठाएंगे, असम्बली में बात उठाएंगे, दिल्ली तक बात पहुंचाएंगे, तभी जाके जो है यहाँ पे हम डेवलप कर सकेंगे। अब जेके टीडीसी को तो मालूम है ये जो हमारी एब्सोल्यूट एक्चुअल टूरिज्म पोटेंशियल है सरथल वैली, तो सबको मालूम है जेएंडके में, तो क्यों नहीं कर रहे हैं इस पे काम? देख, कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस है, उनकी इग्नोरेंस है कि इतने अच्छे से पोटेंशियल को वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं। यही नहीं, सरथल में एक हमारा बहुत एक एडवेंचर हो सकता है, पैराग्लाइडिंग हो सकती है, ट्रैकिंग हो सकती है, और वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, विंटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ढग्गर में हो सकते हैं, चला में हो सकते हैं, बहुत सारी जगहें हैं यहाँ, खजार है एक जगह, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इग्नोर किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो मैं उनके जो भी एडवाइज़र्स हैं अभी हमारे टूरिज़्म के रिलेटेड, और जो सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी, यहाँ पे इसको इग्नोर ना करें। रही बात हमारी, हम इसके लिए फ़ाइट करेंगे, हम आगे तक बात पहुँचाएँगे, इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। तो ये एक टूरिज्म पोटेंशियल है, रोज़गार का साधन हो सकता है, तो क्यों नहीं इस पे काम कर रहे हैं? क्या ये कोई पॉलिटिकल बाइफरकेशन है, या डिफरेंस है, या ड्राइनेस है, या सियासत खेलना चाहते हैं? ऐसी नेचुरल ब्यूटी, सुंदरता जो है, इससे भी सियासत खेलना चाहते हैं, क्या बताएंगे? देखिए, अगर आपको किसी के लिए, किसी के पेट में किसी को रोज़गार अगर देते हो, तो मुझे लगता है कि किसी के रोज़गार के ऊपर किसी को अगर खाना दे रहा है कोई, तो उसके ऊपर सियासत की जाएगी, नहीं करनी चाहिए। जो लोग करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। अगर यहाँ पे भी कोई गरीब को अगर कोई दो वक्त की रोटी मिल जाए इस टूरिज्म से, तो मुझे लगता है कि कोई मतलब खफा होना चाहिए। अगर सरथल में किसी को दो वक्त की रोटी नसीब होती है, तो ढग्गर को भी होनी चाहिए, चला को भी होनी चाहिए, खजार को भी होनी चाहिए, जोड़ा माता में जो जितने भी इलाके आते हैं उनको होनी चाहिए, धौले माता में आते हैं इतने इलाके। देखिए, रोजी रोटी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करो, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर पॉलिटिक्स करो, उसके ऊपर आप मज़े से कर सकते हो आप। तो थैंक यू सो मच सर, उम्मीद करते हैं कि इन बातों पे जो हायर अथॉरिटी LG साहब हैं या JKTDC है, इस पे गौर करेगी। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी एक टूरिज़्म पोटेंशियल जहाँ नेचुरल है, उसके पे सियासत ना की जाए, यूथ के साथ सियासत ना की जाए, जगहों पे साथ सियासत ना की जाए। जब तक हम गरीब को ऊपर नहीं उठाएंगे, रोज़गार अवसर मुहैया नहीं करेंगे, तो ये कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ एकदम इक्वालिटी लानी है, फ्रीडम लानी है, और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के जितने भी साधन हैं उनको एक्टिवेट करना है, टैप करना है। तो मेरा यही मतालबा रहेगा LG साहब से, JKTDC से, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, कि हायर अथॉरिटी तक बात ले जाएँ, कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, काम तो हायर अथॉरिटी ने करना है, तो यहाँ लोगों को रोज़गार का अवसर जो है वो मुहैया हो सकता है। एक बेस्ट एक्चुअल टूरिज्म पोटेंशियल है, और रोज़गार का साधन, इंस्टेंट रिटर्न मिलेगा गवर्नमेंट को, इसमें लॉस नहीं है। थैंक यू सो मच।